नमस्कार दोस्तों, जीटिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। अब वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि बेचने वाला देश भी बन चुका है। एक वक्त था जब हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं थे और आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भारत अपने हथियारों का डंका बजा रहा है। अब बात करते हैं आर्मेनिया की। ये देश भारत से हथियार खरीदने में सबसे आगे निकल चुका है। ये वही आर्मेनिया है जो एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा था और आज रूस से दूरी बनाकर भारत की तरफ झुक रहा है। और क्यों ना हो, भारत ने जिस तरह से दमदार हथियार बनाए हैं उनसे किसी का भी दिल पिघल जाएगा। आर्मेनिया भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम और 155 mm की आर्टिलरी गन खरीद रहा है। मतलब ये सारे हथियार किसी भी दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकते हैं। भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले टॉप 3 देशों में अमेरिका, आर्मेनिया और फ्रांस है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका भी हमारे यहाँ से हथियार खरीदता है। अब ये थोड़ा अलग मामला है। अमेरिका अपने लिए फुल सिस्टम्स नहीं बल्कि सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स खरीदता है। यानी कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूलेज, विंग्स और अन्य पार्ट्स इंडिया से खरीदती हैं। हैदराबाद के टाटा बोइंग एरोस्पेस वेंचर में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का ढांचा बनता है। सोचिए, हम अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहे बल्कि दुनिया की बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री और उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुके हैं। फ्रांस भी हमसे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे खरीद रहा है। ये वही फ्रांस है जो पहले भारत को सिर्फ राफेल बेचता था और अब भारतीय सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के बिना उसकी डिफेंस इंडस्ट्री अधूरी है। जो आर्मेनिया पिछले कुछ सालों में रूस पर निर्भर था, उसने अब भारत के साथ कई बड़ी डिफेंस डील्स की हैं। इनमें मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन और ब्लड प्रूफ जैकेट जैसे जरूरी हथियार शामिल हैं। मतलब भारत अब सिर्फ अपने देश को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे देशों को भी शक्ति दे रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया का हर बड़ा देश भारत से हाथ मिलाना चाहता है। जहां भारत पहले 80% तक विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वहीं अब हमारा देश 70% तक स्वदेशी हथियार खुद बना रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भारत से एंटी टैंक मिसाइल, नाइट विजन डिवाइसेज और बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसे चीजों में रुचि दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत अब हर महाद्वीप पर अपनी जगह बना चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। भारत की ये सुपरसोनिक मिसाइल आज दुनिया में सबसे फास्ट मानी जाती है। ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस से लेकर ब्राजील तक दिलचस्पी दिखाई दे गई है। देखिए दोस्तों, भारत ने तो काफी हद तक स्वदेशी हथियारों पर निर्भर होना शुरू कर दिया है, लेकिन फाइटर जेट इंजन के मामले में अभी भी हम काफी पीछे हैं। तेजस विमान का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश कांप जाते हैं। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीकों से लैस है, बस इंजन को छोड़कर। यहाँ कहानी सिर्फ तेजस के इंजन की देरी की नहीं है बल्कि ये उस भरोसे की है जो भारत ने अमेरिका पर किया था, और अब अमेरिका उसी भरोसे पर खरा नहीं उतर रहा। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारतीय वायुसेना के लिए तेजस MK-2A के F-404 IN-20 इंजन की डिलीवरी का वादा किया था, लेकिन पिछले 2 साल से वो सिर्फ टालमटोल कर रही है। अब इसका सीधा असर हमारी सैन्य तैयारियों पर पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया है। ये तेजस विमान भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है जो कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसका असली जान तो इसके इंजन में ही है और ये इंजन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। पहले ये डिलीवरी मार्च 2023 में शुरू होनी थी, फिर बात आई मार्च 2024 तक की, और अब ये कह दिया गया है कि मार्च अप्रैल 2025 तक ये डिलीवरी हो सकती है। सोचो, ये देरी किसी एक पेपर प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी है। अब सवाल उठता है कि आखिर GE को ये डिलीवरी देने में दिक्कत क्या है। एक तो GE और अमेरिका की पॉलिटिक्स इसमें शामिल है। अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इंडिया उसके इशारे पर चले, और ये डिलीवरी में देरी उसका एक तरीके का दबाव बनाने का तरीका हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत बैठकर इंतजार करता रहेगा। मोदी सरकार ने GE पर जुर्माना लगाया है। हालांकि ये राशि सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन जुर्माना लगाया गया है ताकि कंपनी समझ सके कि भारत अब किसी से दबने वाला नहीं है। इस जुर्माने का मतलब ये है कि जो भी अनुबंध शर्तें तय की गई थी उनका पालन किया जाना चाहिए, और हर देरी पर कंपनी को दंड भुगतना पड़ेगा।
आपका सवाल होगा कि भारत ने कितने सारे इंजन का ऑर्डर दिया है। तो 83 तेजस MK-1A के लिए 99 इंजन का ऑर्डर। ये सिर्फ एक शुरुआत है, तेजस का प्रोडक्शन आने वाले सालों में और बढ़ने वाला है। यानी GE को वक्त पर इंजन देना ही होगा, नहीं तो भारत दूसरे विकल्पों की तरफ भी जा सकता है। भारत ने अब कई नए हथियारों और विमानों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अगर GE समय पर डिलीवरी नहीं करता है तो भविष्य में भारत अपना खुद का इंजन बनाना शुरू कर सकता है। जरा सोचिए, एक मोहल्ले में दो परिवार हैं। एक परिवार है इंडिया और दूसरा अमेरिका। इंडिया ने अमेरिका से कहा कि भाई मुझे अपने घर की रक्षा के लिए ये उपकरण चाहिए। अमेरिका ने वादा किया पर वादा करके मुकर गया। वो कभी कहता है कि अभी दे दूंगा, कभी कहता है कल दे दूंगा, और अब इंडिया को समझ में आ गया है कि बिना जुर्माना लगाए ये मानने वाला नहीं है। अब ये साफ हो गया है कि भारत इंतजार करके थक चुका है और उसने अपने कदम उठा लिए हैं। जुर्माना लगाने का मतलब है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और ये अमेरिका को भी समझ में आना चाहिए कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार स्वदेशी इंजन बनाने की तरफ फंडिंग जारी करे, जरूरत पड़े तो रूस और चीन की सहायता भी ले। लेकिन अमेरिका पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर GE ने डिलीवरी नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अपना इंजन खुद बनाएगा और फिर दुनिया देखेगी कि भारत किसी भी दूसरे देश से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।